हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। पिछली क्लास में हमारा यही टॉपिक चल रहा था, आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो फैक्टराइजेशन सीखा था वो लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा भी अधूरा है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्यूबिक पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है इसको अब सीखने वाले हैं। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर दिस इज आवर क्वेश्चन। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब ये जो नंबर है ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 जो है किस किस से डिवाइड हो सकता है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी नंबर है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, तो 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। तो आइए देखिए, हियर कांस्टेंट टर्म इज 2, सो फैक्टर ऑफ 2R। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे को जो फैक्टर लेने हैं वो प्लस और माइनस दोनों के लेने हैं, प्लस 2 के फैक्टर से प्लस माइनस 1 इस तरीके से प्लस माइनस 1, और 2 के क्या हो सकते हैं प्लस माइनस 2, ये होते हैं हमारे 2 के फैक्टर। अब जो हमारे पास फैक्टर आता है, फैक्टर में हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो 2 वैल्यूज की बन गई, 2 वैल्यूज की बन गई, 4 वैल्यू, 4 में से कोई ना कोई वैल्यू जो है इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इनमें से एक वैल्यू उठाकर इसमें रखने पर हमारे को क्या मिलती है, उसकी वैल्यू 0 मिलेगी, और 0 मिलने पर वो क्या होगा, वो इस पॉलीनोमियल का 0 होगा। ओके, आइए देखते हैं कैसे। पुट P1 या फिर बैठ रहा है, ट्राई कर रहे हैं रिपोर्ट P1 की वैल्यू निकालिए, ट्रायल हम अपनी वन में करेंगे, मैं आपके यहां करके दिखा, P1 की वैल्यू निकालिए, हमने 1 की क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये होगी 1 की क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 0। तो 1 रखने पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आ रही है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये कंफर्म है कि जो 1 है वो इसका फैक्टर है, बट कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग जो 0 होगा वो क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे को 1 कब मिलती है, x की वैल्यू 1 हमारे को तब मिलती है, यानी कि x की वैल्यू हमने यहां पर 1 पुट अप करी है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, x इज़ इक्वल टू 1 रखने पर यानी कि जो फैक्टर था वो क्या था, 1 कब मिलेगी, 1 तो तभी मिलेगी ना जब ये होगा x माइनस 1 बराबर 0, सिचुएशन ये है। तो हम यहां पर कह सकते हैं हमने 1 रखा था, तो 1 रखने की वजह से माइनस 1 फैक्टर होगा, हाँ अगर ये माइनस 1 पे सेटिस्फाई करती तो फिर प्लस 1 कह सकता। आइए और देखते हैं, माइनस 1 रखिए, ट्राई कीजिए एक बार, माइनस 1 रखा तो माइनस 1 की क्यूब 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि यहां पर हमने प्लस रखे यहां पर माइनस रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस, तो इसको सॉल्व किया हमने, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए क्या मिलता है, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, यहां पे भी देखिए
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए माइनस वन मैगने पर हमें जीरो मिल गया, तो माइनस वन कब मिलता है, माइनस वन है, यही सिचुएशन तो है। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखने का मतलब क्या है ये, इसका मतलब इसको अगर आप इधर भेजते हैं तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि एक्स माइनस वन भी फैक्टर है, सॉरी यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन भी फैक्टर है, एक्स माइनस वन भी फैक्टर है। ओके आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन टर्म थी वो हमारी छोटी थी, क्वेश्चन टर्म कैसी है यहाँ पर छोटी है, तो इसके थर्ड पार्ट के लिए हम इसमें टू या माइनस टू पुट अप कर सकते हैं। नाउ पी टू, अब हम पी टू रखते हैं, पी टू रखने पर क्या होगा, टू की क्यूब, टू टू की स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, टू की क्यूब एट, टू टू या फोर, फोर टू या एट, माइनस टू प्लस टू, उसे टू कैंसिल, एट से कैंसिल, यहाँ पर भी देखिए आपको जीरो मिल गई, तो टू रखने पर जीरो मिली, यानी कि एक्स की वैल्यू टू थी, तो फैक्टर क्या बना, एक्स माइनस टू, यही तो बनेगा, तो हमने तीन वैल्यू रखी क्योंकि क्यूबिक था, तो तीन ही फैक्टर मिलते हैं हमारे को, ये बात हमें पता है, क्वाड्रेटिक में दो फैक्टर होते हैं, लीनियर में वन होता है और क्यूबिक में तीन, तो तीन फैक्टर मिल चुके हमारे को, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन हमने प्लस रखी है तो एक बार माइनस की भी रख के देख लो। नाउ माइनस टू देखिए क्या मिलता है, माइनस टू की क्यूब, माइनस टू इंटू माइनस टू स्क्वायर, माइनस टू माइनस माइनस टू प्लस टू, क्या मिलता है आपको, देखिए माइनस टू की क्यूब माइनस एट, माइनस टू फोर प्लस टू प्लस टू माइनस एट, माइनस एट प्लस फोर माइनस सिक्सटीन प्लस फोर माइनस ट्वेल्व नॉट इक्वल जीरो, तो माइनस टू कब मिलेगी, माइनस टू तो ऐसे केस में मिलेगी ना, तो एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इज नॉट फैक्टर, फैक्टर कब होता, फैक्टर तो कब होता ना, जब ये जीरो मिल जाता, जीरो नहीं मिलना, जीरो कब मिलना है, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तो सीधा समय लिख गया, तो अगर जीरो मिल गया तो फैक्टर है, और जो वैल्यू आपने पुट अप किया उसका रिवर्स, क्योंकि रिवर्स से हमारे को आगे वैल्यू मिल गई है, जैसे x माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी तो इसका मतलब x प्लस वन फैक्टर है, x की वैल्यू आपने वन रखी तो इसका मतलब x माइनस वन फैक्टर है, क्योंकि जीरो से वही तो देता हमारे को आगे रिफेक्ट होता है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो हमारा पार्ट कहां तक नहीं रहता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं हेंस फैक्टर ऑफ किस के, जो हमारे को बोलने में क्या रहता है, एक्स की क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसके फैक्टर क्या हो गए, यानी फैक्टर ऑफ एक्स की क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू आर, पहला फैक्टर बना था पॉजिटिव वन से, पॉजिटिव वन से क्या बनेगा, नेगेटिव एक्स माइनस वन, नेगेटिव से बनेगा एक्स प्लस वन, और टू से बनेगा हमारा एक्स माइनस टू, आंसर ये आपका आंसर, इस तरीके से हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके तो ये तो हमने पूरा क्वेश्चन फैक्टर मेथड से किया, आइए इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से भी देखते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया, डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे हम इसे, ध्यान से देखिए, डिवीजन मेथड से करने के लिए हमें क्वेश्चन का ज्यादा फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें एक वैल्यू को सेटिस्फाई करना है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म की केवल एक वैल्यू, हम यहाँ पर दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये तो पहला खत्म हो गया यहाँ पे जो भी था, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट टर्म की एक वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, तो एक वैल्यू ने सेटिस्फाई कहा गया यहाँ पर, ये होगी सेटिस्फेक्शन, हम यहां कह सकते हैं एयर एक्स माइनस वन
इसमें फैक्टर ऑफ गिवन वॉल्यूम जो हमारे को वॉल्यूम में दे रखा उसका फैक्टर क्या हो गया, ये होगा। नाउ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाय जो इसका फैक्टर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे दिए गए पॉलिनोमियल को। जैसे हमारा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय ए बाय एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में क्या मिलेगा भाई, जैसे आप सिक्स को डिवाइड करते हो टू से तो क्या मिलता है आपको, दूसरा फैक्टर मिल गया तैयार हो जाता है, यही तो होता है। तो इस तरीके से ये फैक्टर है टू का सिक्स का, तो ये फैक्टर हो गया एक्स माइनस वन दिए गए पॉलिनोमियल का। अगर एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड करते हैं थ्री मिलता है हमें, तो उसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ ना कुछ उठेगा तो आपको वो हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा डिवीजन मेथड से। देखिए जैसे हमने कहा डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं x माइनस वन से इसे डिवाइड एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर और यहां पर आपका डिवीजन भी दोबारा से रिपीट हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब हमें चाहिए, हमने पहले आपको भी बताया है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है यानी सबसे बड़ी एक्स क्यूब है तो हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे एक्स क्यूब मिले, सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर की करेंगे। तो जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए उनसे अपनी क्वेश्चन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स देन वी गेट एक्स क्यूब, क्योंकि जब इसके साथ करी है तो दूसरी वैल्यू के साथ भी तो करनी पड़ेगी ब्रैकेट की, तो वन के साथ करी देन माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के वाले नीचे लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का मिलकर कुछ और मिलता, जैसे सपोज एक्स मिलता तो एक्स वाले को एक्स के नीचे लिखते हैं, एक्स वाले को एक्स वाले के नीचे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखते हैं। इससे क्या होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले को माइनस एक्स स्क्वायर, अब डिविजन रूल कहता है चेंज की साइन, साइन चेंज की हमने माइनस प्लस दिस इज कैंसिल एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, अब वो भी माइनस का साइन का विषय ध्यान रखना, माइनस चाहिए तो माइनस लेंगे प्लस चाहिए तो प्लस लेंगे, अब हमें माइनस ले लिया माइनस रखा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गई, एक्स की मल्टीप्लाई में करी थी माइनस प्लस एक्स आ गया साइन चेंज कैंसिल दिस इज चेंज माइनस माइनस प्लस माइनस टू एक्स। अब क्या चाहिए आपको माइनस टू चाहिए, एक्स में किसकी करेंगे माइनस टू की कर देंगे, माइनस टू की करेंगे माइनस टू एक्स होगी और ये माइनस माइनस प्लस रखो फिर साइन चेंज ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये कैंसिल ये भी कैंसिल। कैंसिल कब होता है जब एक का साइन प्लस होता है और दूसरे का माइनस होता है, मीन्स टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसलिए हम उसे कैंसिल कहते हैं। देखिए आपको पूरा डिवाइड होगी, कहने का मतलब x माइनस वन तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट, क्या क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट क्वेश्चन क्या था एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है x माइनस वन, पहला फैक्टर क्या मिल गया था दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये देखिए तो फैक्टर बन गया। दो मिल के तीन बार तीन फैक्टर होते हैं, दो मिल के तैयार हो गए, पहला तो लीनियर फॉर्म में है दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक को पता है आपको कैसे तोड़ना, इसको भी तोड़ दीजिए लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इसके लिए कौन सा तरीका वही ए माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाला क्वेश्चन नंबर फोर में जो कि हम वही प्रोडक्ट भी बनाऊंगा टू है टू के फैक्टर टू बन जाओ दो में से वन टू वन जो टू होता है प्रोडक्ट टू चाहिए टू में से वन माइनस करो वन तो फैक्टर हो गया सिर्फ ये जो एक्स माइनस वन बड़ा वैल्यू लगा एक्स स्क्वायर जैसे क्योंकि साइन का ध्यान रखना है एक्स माइनस का चाहिए तो टू हम माइनस करेंगे और ये प्लस जो कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स कॉमन है तो इसमें बचा एक्स माइनस टू इन दोनों में क्या कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं वहां वन ले लेते हैं। अब ये अलग नंबर बन चुका है ये अलग नंबर बन चुका है यहाँ पर ये हो गया x माइनस वन और ये हो गया आपका x
माइनस टू दोनों से ले लिया और इसका बचा x, इसका बचा वन, तो x प्लस वन आंसर है। तो ये फैक्टर आपके वहां बने थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये डिवीजन मेथड से बनना है। ये मेथड हमने आपको भी बताया क्योंकि जैसे यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट टर्म छोटी थी तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन हो गया था हमारा, लेकिन जहां पर कॉन्स्टेंट टर्म बड़ी हो जाती है तो वहां पर तो आप सारी वैल्यू को टप करके नहीं देखोगे। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप एक वैल्यू को सेटिस्फाई करते हो, सेटिस्फाई करने के बाद वो फैक्टर बनता है उसका, और फैक्टर बनने के बाद आप उसे डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म का पॉलीनोमियल मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इनटू लीनियर पॉलीनोमियल, आप उसे चेंज कर दो। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है दोनों तरीके से कंप्लीट होता है। हम जो आगे के क्वेश्चन आपको सिखाएंगे वो इसी तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि दैट इज मेथड इज वेरी इजी, फैक्टर मेथड इज वेरी इजी, बट दिस मेथड इज थोड़ा उससे इन कंपैरिजन ऑफ दैट थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा बस, बट इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो हमें इस मेथड से क्वेश्चन को डेवलप करना है। ओके, आइए देखिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से करना हमें, देखिए हम क्योंकि स्टेटमेंट तो वही रही, स्टेटमेंट आप वही रखिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट है, इसलिए तो सारा चेंज हो गई होगा क्योंकि यहां पर अलग अलग करता है। स्टेटमेंट छोड़ी, स्टेटमेंट में कोई मुश्किल नहीं, क्वेश्चन क्या है आपके पास, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, मुश्किल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर भी जो कांस्टेंट टर्म है वो छोटी सी है, 5 है, और 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 के फैक्टर प्लस माइनस 1, हम केवल इसे डिविजन मेथड से कर रहे हैं, P1, P1 में कितने की ट्रायल में, तो क्या हो जाएगा 1t³ - 3 1² - 9 1 - 5, वी गेट 1 - 3 - 9 - 5, क्या हो गया, ये तीनों माइनस है तो 1 - 2 - 9 - 5, यानी कि हमें मिला माइनस का 16, दैट इज नॉट जीरो, जीरो तो नहीं मिला, जीरो मिलता तो फैक्टर होता ना, जीरो नहीं मिला, तो 1 को टप करने पे 1 का वर्क कर सकते हैं, जब ये होगा x माइनस 1, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, तो ये हमारी जो हमने आपको पहले बताया था कि आप वर्क जो करोगे तब वर्क में करोगे, ये मेहनत खराब हो गई, खराब हो गई, तो भाई हमें ट्रायल तो करना है, ट्रायल बनाना है, अब हमने 1 रखा तो एक बार माइनस 1 रख के देख लेंगे, हमारे पास तो जितने भी फैक्टर है वो सारे को टप करके देख लेंगे, अब माइनस 1 रख देंगे इस पे। ओके, माइनस 1 रख के माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, दिस इज द क्वेश्चन, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव 1 प्लस का 9 माइनस 5 माइनस 3 सॉरी माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, माइनस माइनस वाले सारे इधर ऐड हो जाएंगे, तो हो गया माइनस का 9 माइनस प्लस का 9, यू गेट 0, देखिए मिल गया 0, तो फैक्टर क्या बन गया माइनस 1 से, इसका मतलब सो x प्लस 1 मैंने कहा माइनस 1 रखा तो प्लस वाला फैक्टर होगा, माइनस रखा तो प्लस वाला फैक्टर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल क्या, x की माइनस 3x² - 9x - 5
हो गया। नाउ डिवाइड एक्स, नाउ डिवाइड एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स फाइव बाई एक्स माइनस थ्री से हमसे डिवाइड कर देंगे, एक्स प्लस वन तक का माइनस तो एक्स प्लस वन से हमसे डिवाइड कर देंगे। ओके आप इसे करना चाहते फैक्टर मेथड से तो फैक्टर मेथड से भी हो सकता है, कोशिश करके देख लो। माइनस वन तक का हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, एक बार प्लस फाइव एक बार माइनस फाइव, तो प्लस फाइव पी फाइव, पी फाइव क्या तो आपको क्या मिलेगा फाइव पी क्यू माइनस थ्री फाइव स्क्वायर माइनस नाइन फाइव माइनस फाइव यू गेट 125 25 या 75 माइनस 45 माइनस फाइव। देखिए 125 माइनस 50 माइनस 50 इन नंबर प्लस क्या माइनस 50 इन नंबर सॉरी क्या 50 यू गेट जीरो। यहाँ पर क्या हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव भी फैक्टर हो गया इज ऑल्सो फैक्टर, तो दूसरा ही मिल गया आपको। थर्ड के लिए अब माइनस फाइव करके देख लीजिए माइनस फाइव की क्यूब थ्री माइनस फाइव स्क्वायर नाइन माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस नाइन फाइव से फोर्टी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव पीरियड इसका पूरे क्वेश्चन से 200 हियर प्लस 40 ये तो है ना माइनस माइनस का 160 नॉट इक्वल टू 0। तो इससे किस कंक्लूजन पर पहुंचे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने पर भाई 5 को क्या होगा एक्स माइनस फाइव फैक्टर होगा माइनस फाइव क्या तो एक्स प्लस फाइव इज नॉट एक्स प्लस फाइव तो नहीं बनना एक्स माइनस फाइव तो बन गया लेकिन यहां पर मान लीजिए आपको यहाँ पर तो आपको दो ही फैक्टर मिल गए और आप कह रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म में जितने उतने के हिसाब से मिलेंगे तो ये तो मिल रहे हैं तो तीसरा कहाँ से मिलेगा तीसरे के लिए हम डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया ना कई बार नहीं मिल पाता है कॉन्स्टेंट टर्म बड़ी हो जाती है या फिर सेम आ जाती है जैसे यहाँ पर हमारे को तीसरा नहीं मिला कॉन्स्टेंट टर्म छोटी है तो इसके अंदर या तो ये वाला सेम होगा या फिर ये वाला सेम होगा या तो एक्स माइनस फाइव ही इसका एक और फैक्टर होगा या फिर एक्स प्लस वन ही इसका फैक्टर होगा। वो हमें किससे पता चलेगा वो हमें डिविजन मेथड से पता चलेगा नॉट बाय ट्रायल मेथड। दिस इज द ट्रायल मेथड और अ फैक्टर मेथड। नाउ इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने के लिए डिविजन मेथड भी आते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है ये हमने आपको बताया कि हाँ कई बार ऐसा हो जाता है तो कई बार ऐसा हो जाता है तो इसलिए हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे हम कौन से मेथड करेंगे अपने डिविजन मेथड को ही अडॉप्ट करेंगे। ओके तो डिवीजन मेथड में क्या रहा है पॉलीनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को हमने x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड आप चाहते हो 9x माइनस 5 सबसे पहले क्या चाहिए आपको x की भी चाहिए तो x में किसकी मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर की तो जी आगे अब इसकी इसके साथ भी करनी पड़ेगी प्लस x स्क्वायर नाउ साइन चेंज कैंसिल 3 में से माइनस माइनस 4x स्क्वायर ऊपर का पोर्शन बता देंगे अब आपको माइनस फोर एक्स स्क्वायर चाहिए तो किसकी मल्टीप्लाई करके माइनस फोर एक्स की क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स थ्री और माइनस फोर एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई से आप करेंगे माइनस फोर एक्स मिलिए कैंसिलेशन साइन चेंज कैंसिल नाइन में से माइनस फाइव टाइम्स अब आपको एक्स के साथ माइनस फाइव चाहिए तो माइनस फाइव की माइनस फाइव टाइम्स मिलिए इसे साइन चेंज तो कह देंगे मतलब x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया किसके बराबर होगी ये वैल्यू ये होगी हमारी x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये होगी इसके फैक्टर। अब ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्म सॉल्व कर दीजिए हियर द कांस्टेंट टर्म इज 5 और इसे a प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 5 फैक्ट 5 के फैक्टर क्या होते हैं यहां देख सकते हो 5 के फैक्टर 5 होता है वन बस हमें चार चाहिए तो पांच में से एक माइनस कर दो फोर मिलता है नॉट इक्वल एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स जो भी बढ़ा लीजिए उसको बढ़ा देंगे जिसका साइन चाहिए उसे बढ़ा रखेंगे एक्स प्लस वन इन दोनों से एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस फाइव
इन दोनों को दोनों दे दिए सॉरी x प्लस वन इन दोनों से x माइनस फाइव ले लिया हमने इसका बचा x और इसमें से x माइनस फाइव ले इसका बचा वन तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था देखिए x प्लस वन दो बार मिल गया क्योंकि वहाँ तीसरा आइटम नहीं मिल रहा था इन केस ऑफ फैक्टर मेथड और ट्रायल मेथड। और हमने आपको कहा था कि इन दोनों में से एक आइटम सेम हो सकता है तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके तो ये सब अब जो हम फोर्थ पार्ट में तो फोर्थ आइटम दे रखी है वन है तो इसे आप आसानी से कर सकते हो वन या तो प्लस वन सेटिस्फाई करोगे उसके फोर्थ पार्ट ले या फिर माइनस वन। ओके हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो 20 है। ओके डिवाइड x प्लस वन से करना है
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एक्स क्यूब, सो मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के लिए हम एक्स में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर की करेंगे क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट एक्स क्यूब, तो आपको एक्स क्यूब मिलता है यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर किसके साथ करी है तो इसके साथ तो करनी पड़ेगी, तो ये एक्स स्क्वायर, तो अब इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट मीन्स साइन चेंज बाकी का पोर्शन इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें 12x स्क्वायर चाहिए, तो एक्स में किसी करूं तो एक्स में मल्टीप्लाई करूं, यहां 12x लिख दिया, जिसकी मल्टीप्लाई करें वो लिखे, जो चीज चाहिए उसके लिए, ये चाहिए तो मल्टीप्लाई किसी करें, जो मल्टीप्लाई करें वो लिखे, 12x करें 12x स्क्वायर, गैलेक्सी प्लस सब्ट्रैक्ट साइन चेंज मींस रूल ऑफ डिवीजन एंड से 13 - 12 = 20x। अब आपको क्या चाहिए 20x, एक्स में किसी करें भाई 20 करें, यहाँ 20 के लिए ये हम समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कहीं आप भी लिखना शुरू कर दो ऐसा मत करना, 20x प्लस 20 करें तो 20 हो एक्स हो गया, 21 के साथ करिए हो गया माइनस माइनस क्या मिला आपको जीरो। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हो गया क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x तो इस क्या लिख सकते हैं, एक पहला फैक्टर तो ये हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया आपके एक्स स्क्वायर कॉल कर दीजिए एक्स प्लस वन कॉन्स्टेंट माइनस 20 20 को फैक्टर मतलब प्लस माइनस करे तो 12 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो 20 फैक्टर करके देख लो 4 से किए 2 से किए पहले छोटे से करते हैं ये 2 जब हो एंड फाइव वी नीड अ 12 2 से किया प्लस माइनस करें तो हाँ मिलता है आपको, देखिए 5 की जगह 10 और ये 2 वाला 10 और 2 12 होता है एंड 10 की जगह 20 होता है, मिल गया, इसलिए लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 प्लस 20 ये हो गया आपका x प्लस 1 और हम क्या कह सकते हैं दोनों से जो कॉमन है वो ले लेंगे, x कॉमन ले लिया x प्लस 10 इधर 2 कॉमन ले लिया तो इधर हो गया x प्लस 10। तो अब x प्लस 10 हमने यहां से ले लिया इसमें से x प्लस 10 और इसका बचा x इसका बचा 2 तो ये हमारा फैक्टर हो गया और ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट मानते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज 1 सो दैट इज अ वेरी इजी यू कैन ट्राई योरसेल्फ आप उसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं हो जाएगा वैसे। ओके तो आज के लिए इतना ही। ओके थैंक यू।